मेरे साथ हैं जगदीश यादव जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ। दैनिक जागरण ग्रुप में ग्रुप फोटो एडिटर थे। जगदीश जी, पहले तो हमें थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से आपने शुरू किया, कहाँ कहाँ आप रहे, क्या रहा आपका कैरियर का अब तक का जो है? जी, ऐसा है कि जर्नलिज्म और इस तरह की चीजें कभी मन में भी नहीं थी, और मैं पैरामिलिट्री फोर्स CRPF ज्वाइन किया, और अच्छा। मेरी ड्यूटी थी पब्लिक रिलेशन ब्रांच में। वहां मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबार और पत्रिकाएं देखने को मिलती था, तो मैं फोटो सेक्शन में, तो अपनी तस्वीरों से, सरकारी तस्वीरों से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम अफसरों की तस्वीरें आमतौर पर खींचते थे। तो जब ऐसे पत्र पत्रिकाएं इंडिया टुडे संडे वगैरह देखते थे, तो मन में होता था कि लगता है कुछ गलत जगह में मैं हूं मतलब। और फिर मैं योजना बनाने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तो मुझे जरा सी एक मौका मिला जिसमें रघु राय को एक असिस्टेंट चाहिए था, तो मैं असिस्टेंट के रूप में उनके पास चला गया और मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी। कुछ भाग्य भी इस तरह का है कि मुझे कुछ अलग से मिला असाइनमेंट, और वो मिली क्या, मुझे खोजनी पड़ी कि मैं कुछ ऐसा करके ले आऊं जिससे मुझे लोग पहचानना शुरू करें। तो उसके लिए मैं उसी शुरुआती दिनों में ही, एक दो साल के बाद ही, चंबल को ध्यान दिया, क्योंकि चंबल की खबरें बहुत चलती थी। तो चंबल के लिए मैं विभिन्न तरह के डकैतों की सरेंडर से लेकर के और चीजें कवर करते हुए मुझे मौका मिला फूलन देवी से उसके बीहड़ों में मिलने का, और मुझे पिक्चर शूट करने का। स्टोरी बहुत लंबी है इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो मैं उसको शूट किया और उसकी जब तस्वीरें छपी, और जो माला सेन की किताब है इंडिया बैंडिट क्वीन, जिस पर फिल्म भी शेखर कपूर ने फिल्म बनाई, शेखर कपूर ने जो फिल्म बनाई, उस किताब में भी मेरा बाईलाइन वगैरह दिखेगा और पिक्चरें दिखेगी। फिर उससे भी अच्छा मजा आया तब जब मुझे एक साल जब फूलन को हो गए जेल में, तो हमारे संपादक MJ अकबर ने कोशिश की कि किसी तरह से उसका इंटरव्यू हो जाए। तो एक टीम हमारी फेल हो गई जिसमें दो बड़े पत्रकार गए, और लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, और बहुत सारा उन्होंने इंतजाम किया कि कोर्ट से लेकर के और डायरेक्टर जनरल पुलिस और जेल के मंत्री तक से अप्रोच किया, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट ये करना चाहिए, और मैंने अटेम्प्ट किया। ये था कि इरादा कि एक दिन हमको मिलवा दिया जाए फूलन और मान सिंह से। वो हुआ, आपस के इंतजाम से मुझे मिलने का मौका मिला। कौन सी जेल की बात कर रहे हैं? ग्वालियर सेंट्रल जेल। तो आप ग्वालियर चले गए थे? ग्वालियर चला गया, एक हफ्ता वहीं रहा। अच्छा। और वो अटेम्प्ट करता रहा कि किसी तरह मुलाकात हो जाए, और मुलाकात हुई। और मुलाकात हुई तो पहले दिन शूट किया, जैसी थी वैसे ही शूट किया, लेकिन मन में चला कि कुछ इस तरह की तस्वीरें भी देनी चाहिए जो थोड़ा मजा आए देखने से, क्योंकि इमेज का आदमी हूं तो इमेज पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है अपना, शब्दों से ज्यादा। सब आप लोगों को लिखना होता है तो आप लोगों को शब्दों पर फोकस रहता है। तो मैंने उसे आग्रह किया कि कल मेरे को साड़ी पहन के रहो, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। साड़ी नहीं थी, कल इंतजाम हो गए, जैसे तैसे वहां भिजवा दिया गया। और जेल के गेट पर आके मैं रिक्वेस्ट किया कि आज तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे रिश्तेदारों से मिलवा दिया, कल त्योहार है तो त्योहार के मौके पर चूंकि मैं यहाँ हूँ तो कल मुझे 10 मिनट के लिए जाने देंगे तो अच्छा होगा। और उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आ जाइए, और मैं घुस गया हूँ अगले दिन। और अगले दिन साड़ी पहन के वो गेट पर खड़ी थी, वहां से शूट करना शुरू किया पिक्चर उसकी। और उसको विभिन्न रूप में, अपने गैंग के साथ ही रहती थी कंपाउंड, तो उसे अमरूद खा रहे हैं, बिस्तर पर बैठे, कुछ मस्ती की पिक्चरें शूट की। पत्रकारिता के रूप में मेरा अनुभव बहुत ज्यादा नहीं था, तब मैं नया ही था, लेकिन इतना समझ में आता था कि इमेज से मैं कैसे प्रभावित कर सकता हूँ। खैर, वो तस्वीरें बहुत प्रोमिनेंट रही, 17 तस्वीरों से संडे मैगजीन, उन दिनों की स्टार मैगजीन बहुत बड़ी पत्रिका थी, तो उसमें छपा और उससे परिचय हुआ। हमारे पाठकों के रास्ते से, लोगों के रास्ते से थोड़ी सी दायरा बढ़ा, और वो मैं फिर लगातार इसके बाद भी बहुत सारी असाइनमेंट हुई जिसकी चर्चा फिर आगे कभी करेंगे। जगदीश जी, आज का ये संस्मरण बढ़िया रहा, और ये सीरीज जो है हम जारी रखेंगे, आपको हम परेशान करते रहेंगे, और ना, कोई परेशान क्या? इस तरह की और भी चीजें हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और आपकी जर्नी के साथ साथ आपके इन अच्छे अच्छे जो अनुभव हैं उनके साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।